आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं आयुष्मान कार्ड बनाने के बारे में। अब आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए एक नया पोर्टल का लॉन्च किया गया। उस पोर्टल में दो ऑप्शन है, बेनिफिशियरी आईडी एवं ऑपरेटर आईडी। तो बेनिफिशियरी आईडी के जरिए अपना आयुष्मान खुद से बना सकते हैं, वो भी अपने स्मार्टफोन के जरिए। तो आज की वीडियो में बेनिफिशियरी आईडी से आयुष्मान कार्ड बनाने के बारे में बताने जा रहे हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की जानकारी आपको मिलता रहे, तथा इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें, क्योंकि यह वीडियो सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपका आयुष्मान कार्ड बन जाता है तो हर साल 5 लाख रुपया तक का इलाज मुफ्त में हो सकता है, इसलिए यह वीडियो सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू कर। आयुष्मान कार्ड खुद से बनाने के लिए गूगल में सर्च करना है beneficiary.nha.gov.in। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस पर क्लिक कर आप यहां आ सकते हैं। अब यहां दो ऑप्शन है, बेनिफिशियरी एवं ऑपरेटर, और थोड़ी सी नीचे की ओर करते हैं तो यहां बताया गया लिंक आधार, यानी इसमें आधार कार्ड लिंक कर। उसके बाद ऐड मेंबर, यानी हम अपने परिवार का नाम जोड़ सकते हैं। उसके बाद रीडो ई KYC, यानी हमारे द्वारा KYC होने के बाद अगर आधार कार्ड में कुछ अपडेट किया गया हो तो उसे हम फिर से KYC कर अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद चेक स्टेटस, यानी हमारे द्वारा आयुष्मान कार्ड का स्टेटस देखा जा सकता है। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए बेनिफिशियरी पर टिक कोट रहने देना है और यहाँ मोबाइल नंबर भरना है। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल पे एक OTP भेजा जाएगा, उस OTP को इस बॉक्स में भर लेना है। इस बॉक्स में OTP भरने के बाद इस कैप्चर कोड को यहाँ भरना है। कैप्चर कोड भरने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करना। क्लिक करते ही इस साइट पे आ जाते हैं। क्लिक करते हैं इस पेज पर आ जाते हैं। अब यहाँ सबसे पहले स्टेट का चयन करना है, तो हम बिहार का चयन करते हैं क्योंकि हम बिहार से हैं। अब यहाँ PMJAY सेलेक्ट रहेगा, इसे रहने देना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का चयन करना है, तो हम गया जिला से हैं इसलिए गया का चयन करते हैं। उसके बाद यहाँ सर्च बाई पे ऑप्शन है। अब यहाँ फैमिली आईडी, आधार कार्ड नंबर, नेम, किसी एक का चयन कर लेना है। इनमें से किसी एक का चयन करते हैं, तो हम आधार कार्ड का चयन करते हैं। आधार कार्ड का चयन करने के बाद अब यहाँ आधार नंबर को भरते हैं, तो हम अपना आधार नंबर को भरते हैं। आधार नंबर भरने के बाद यहाँ सर्च बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही उस नंबर से जितना डाटा रहेगा सारा यहाँ आ जाएगा। यहाँ जितना मेंबर का नाम जुड़ा हुआ रहेगा सभी मेंबर का नाम दिखेगा। अब जिस मेंबर का KYC करना हो यहाँ KYC पे क्लिक करना है। उसके लिए हम KYC पे क्लिक करते हैं। अब आधार नंबर से वेरीफाई होगा, उसके लिए वेरीफाई पे क्लिक करना है। अब इस कंसेंट को टी कोड कर लेना है और अलाउ पे क्लिक करना है। अब यहाँ तीन प्रकार का ऑप्शन है, तो हम आधार OTP का चयन कर लेते हैं। आप किसी एक का चयन कर सकते हैं, तो आधार OTP पे टी कोड करते हैं। अब हमारा आधार नंबर में जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होगा उस नंबर पर एक OTP गया होगा, हम उस OTP को यहाँ भरते हैं। अब इस OTP को भरते ही ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा। अब ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस पेज पे आ जाते हैं। अब यहाँ फिर से तीन ऑप्शन है, आधार OTP, फिंगरप्रिंट, आयरिस स्कैन। तो आधार OTP पे सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फिर से आधार वेरिफिकेशन होगा, फिर से कंसेंट पे क्लिक करना है और अलाउ पे क्लिक कर देना है। हमारे आधार में जो नंबर जुड़ा हुआ है उस पर OTP गया है, उस OTP को यहाँ भर लेना है। OTP को भरने के बाद फिर डिटेक्ट होकर आगे पेज पे चले आएगा। अब यहाँ
आयुष्मान कार्ड का यह डिटेल्स है और यहाँ आधार कार्ड का यह डिटेल्स है। अब यहाँ हम आपको बताना चाहते हैं अगर यह परसेंटेज 85% से ऊपर होगा तो ही आप खुद से KYC करिएगा, अगर 85% से नीचे होगा तो खुद से KYC करते हैं तो आपका आयुष्मान कार्ड रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए 85% के ऊपर वाले ही लाभार्थी यहाँ खुद से अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ इस कैप्चर फोटो पे टिक आउट करना है और आपके मोबाइल या PC जो होगा आपके सामने आपका फोटो आएगा, उस फोटो को कैप्चर कर लेना है। उसके लिए कैप्चर पर क्लिक करना है, क्लिक करते ही आपका फोटो कैप्चर हो गया। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है, अब आपका कैप्चर हुआ फोटो यहाँ दिखेगा। इसके बाद अब यहाँ अपना एक मोबाइल नंबर भरना है और वेरीफाई कर लेना है। तो मोबाइल नंबर भरने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करना, क्लिक करते ही एक OTP भेजा जाएगा, उस OTP को यहाँ भर लेना है। इसके बाद अब आप जन्म के साल को आधार के अनुसार यहाँ भर लेना है, आपका जो वर्ष में जन्म हुआ होगा उस वर्ष का चयन करना है। अब यहाँ आपका आयुष्मान का लिस्ट से आप कौन मेंबर आते हैं उस मेंबर को चयन करना है। उसके बाद यहाँ पिन कोड को भरना है, आप अपने एरिया का पिन कोड भर लेना है। अब यहाँ आप रूलर या अर्बन से जहाँ से आते हैं उसका चयन कर लेना है। उसके बाद यहाँ अब सब डिस्ट्रिक्ट को भरना है, तो हमारा सब डिस्ट्रिक्ट 12 चिट्ठी है इसलिए हम 12 चिट्ठी का चयन करते हैं। उसके बाद यहाँ विलेज का चयन करना है, तो हम अपने विलेज का चयन करते हैं। अब यहाँ सबमिट पे टिक आउट करना है, सबमिट पे टिक आउट करते हैं आपका KYC कंप्लीट हो जाएगा और थोड़ी ही देर में आपका आयुष्मान कार्ड अप्रूव्ड हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारे द्वारा किया गया आयुष्मान कार्ड वेरीफाई हो गया है और यहाँ अप्रूव का ऑप्शन भी आ रहा है। अब यहाँ से हम उस आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसके लिए डाउनलोड पे टिक आउट करना है, तो थोड़ी सी वेरीफाई होगा और यहाँ टिक आउट कर लेना है और यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ से डाउनलोड पे टिक आउट करते हैं तो PDF में आपका आयुष्मान कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, इसे सेव कर लेना है और उसे प्रिंट आउट कर अपने पास रख लेना है। तो इस तरह बहुत आसानी से घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड KYC कर उसे डाउनलोड कर लेना है। और अगर आपका आयुष्मान कार्ड अप्रूव्ड हो जाता है तो आपको हर साल 5 लाख का मुफ्त इलाज करने की सुविधा मिल जाता है। तो यह एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसे आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। अगर पर्सनल मोबाइल से करने के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आप लोग का रिप्लाई आएगा तो हम मोबाइल से भी कर बता देंगे कि आप घर बैठे आयुष्मान कार्ड खुद से कैसे बना सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से, इसके लिए एक भी रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इस तरह की जानकारी आपको मिलता रहे और आप उसका लाभ उठा सकें।